दिल्ली में मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर अंकित को मार दिया गया। हर कोई इस दिल दहला देने वाली घटना पर हैरान है। अब अंकित के घर नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अंकित के घर भी जा सकते हैं। अंकित सक्सेना की हत्या के दो दिन बाद दिल्ली के खयाला में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर जगह तैनात हैं। दुकानें बंद हैं और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अंकित के घर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के दो सांसद अंकित के घर पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और संजय सिंह बारी बारी से अंकित के घर गए और परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब अखलाक था वो मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन अंकित है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने ही हमें भेजा, वो खुद आ रहे थे। माननीय इनके पिताजी से बात हुई, अंकित के पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि वो हरिद्वार जा रहे हैं। उनके आने के बाद उनसे मिलेंगे। वो जो कंपनसेशन परिवार से बात करके जो मदद परिवार चाहेगा जरूर सरकार करेगी। बेटे का गला काट दिया माँ के सामने। एक मात्र बेटा था, एक लौता बेटा था माँ बाप के बीच में, ना कोई बहन है ना कोई भाई है। तो ये एक बहसीपन का, ये दरिंदगी का परिचय उन अपराधियों ने दिया है। आर्थिक मदद के संबंध में जो अधिकतम हमसे बन पाएगा दिल्ली की सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, हम लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। केजरीवाल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने परिवार से बात की और उनकी सरकार इंसाफ के लिए परिवार के साथ खड़ी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, अंकित के पिताजी से बात की, जो हुआ उसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। अंकित को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। भगवान अंकित के परिवार को शक्ति दे, इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी अंकित के घर दर्द बांटने पहुंचे। मनोज तिवारी ने अंकित के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री जी को भी एक बार आना चाहिए। निश्चित रूप से हम इस परिवार को कुछ सहायता राशि जरूर करेंगे, जो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार के तरफ से जो 1 करोड़ के मुआवजे ऐसे मामलों में कई बार मिले हैं, वो इस परिवार को भी मिलना चाहिए। इस बात की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। लगातार नेता अंकित के घर दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिस परिवार ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया वो हाथ जोड़ कर कह रहा है कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। मजहब का रंग मत चढ़ाए मेरे साथ। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, किसी इस कौम से या किसी कौम से कोई नफरत नहीं है। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। ऐसा प्लीज मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे किसी मजहब से कोई नफरत नहीं है। तो अंकित के घर नेताओं के दौरों के साथ राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। हर कोई अपने तरीके से इस पर बात कर रहा है और हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।